हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएमएक्स ब्यूटी। और मैं हूँ प्रिया। सो आज का जो वीडियो है, बहुत दिनों से बहुत व्यूज़ ने मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ आपका हेयर वॉश हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। सो फाइनली वो वीडियो लेकर आई हूँ मैं। और आज सिर्फ और सिर्फ हेयर वॉश नहीं होगा, आज होगा डैंड्रफ की धुलाई पिटाई, जो भी आप बोल सकते हो, मतलब एकदम से डैंड्रफ रिमूव। मतलब आज के जो ट्रिक्स मैंने बताने वाली हूँ, आपके बालों में अगर डैंड्रफ वगैरह है तो इस ट्रिक्स को आप फॉलो करो। मतलब प्लीज़ ट्रस्ट मी, आपका डैंड्रफ एकदम से गायब हो जाएगा। सो इसके लिए मैं पहले मेरे हेयर्स को अच्छे से कोम कर लिया एंड पार्टीशन करके मेरा जितना भी डैंड्रफ्स है इसको हम ऐसे कोम की मदद से निकल रहे हैं। मतलब जितना हो सके, जितना हो सके आप निकल सकते हो ऐसे ऐसे करके। सो स्कैल्फ की जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, उस लाइन के अनुसार आप जितना भी हो सके आप जो ऊपर ऊपर में रहते हैं ना, वो डैंड्रफ उसको आप निकल देंगे। बाकी तो हमारे रहते ही है स्कैल्फ पर, उसको हम बाद में देख लेंगे। देन मैं पहले कर लेती हूँ मेरा जो ऊपर बाल की ऊपर में जो डैंड्रफ होता है उसको हम अच्छे से कोम की मदद से रिमूव कर दिया। देन उसके बाद मैं क्या करूँगी, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। सो देन मैं एक लेमन का कट कर लूँगी। लेमन का कट करने के बाद हम इसके ऊपर ऐसे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया इसके अंदर मैं इसको दे दूँगी। तो पहले मेरा सभी बालों में लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरा मतलब एक साइड और एक साइड में मेरा लाइन ड्रॉ करके मेरा जो डैंड्रफ है उसको निकाल दिया। पीछे से मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं होगा पीछे से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोचा मैं अकेले ही करूँगी, बट बाद में किसी का हेल्प लेना था तो मेरे सासू बा को मैंने बोल दिया। तो अभी वो काम कर रही है, वो बहुत जल्द ही आएगी। तो पहले मैं कुम की मिडिल पार्टीशन करके पहले मैं कुम कर रही हूँ अच्छे से, ताकि ये जो मैंने निकाल लिया ऊपर से जो डैंड्रफ उसको हम कुम की मदद से मैं नीचे फेंक सकूँ, मतलब नीचे गिर जाए वो, कोई भी ना रहे मेरे बालों पर। अभी मैं ये पे जो लेमन कट कर रखी है छोटे छोटे पीसेस में, सो इसको हम मिडिल पार्टीशन करके स्कैल्फ में इस तरीके से दूंगी। देते देते मैं निचोड़ लूँगी लेमन का जो जूस है, वो बहुत ही हेल्प करते हैं हमारी डैंड्रफ रिमूव करने से। सो डैंड्रफ रिमूव करने में बहुत ही वो हेल्प करते हैं, आप देख सकते हो। देखोगे फाइनल फाइनल जब रिज़ल्ट आएगा वो आप देख सकते हो। सो मैं दिखाऊंगी आप लोगों के साथ। तो देखो मैं प्रोसेस जैसा ही दिखा रही हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ वैसा ही करना है। मैं एक साइड में पहले पार्टीशन करके मैं इसको दे दूँगी, मैं ये वाला दूसरा ले रही हूँ, फिर मैं अच्छे से इसको ऐसे ऐसे लगा लूँगी बालों पर। छोटे छोटे आप लाइन ड्रॉ करोगे तो सभी बालों स्कैल्फ पर वो लग जाएगा। अब आप बड़ा बड़ा जो लाइन क्रिएट करोगे तो वो बहुत मतलब बीच बीच में वो रुक जाएगा, मतलब नहीं होगा, नहीं लगेगा स्कैल्फ पर। सो इसीलिए आपको देखकर ही और मैं काफ़ी दिनों से हेयर रिलेटेड कुछ वीडियोज़ ही अपलोड करूँगी, क्योंकि आप लोगों की बहुत दिनों से मुझे बोल रहा हो और मैं इस पर फोकस ही नहीं किया था। तो इसलिए मैंने सोचा इस कुछ एक हफ्ते तक मैं हेयर रिलेटेड कुछ वीडियो ही मैं लाऊंगी। तो प्लीज़ कनेक्ट रहना मेरे चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियोस को ज़रूर लाइक करना, शेयर्स करना, कमेंट्स करना। और अभी मैं थोड़ा सा हाथों से इसको ऐसे ऐसे मसाज कर रही हूँ। मेरे जो ऊपर की पोर्शन है बालों की, उधर तो बहुत ज़्यादा ही रहते हैं डैंड्रफ, तो उधर मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही मैं दे दूँगी छोटे छोटे पार्टीशन करके। देन मेरे सासू माँ आया, उन्होंने मेरे पीछे से पीछे के जो हेयर्स है उस स्कैल्प से उससे दे देंगे। तो देख सकते हो उन्होंने उतना अच्छा करके नहीं दिया क्योंकि उनको पता नहीं कैसे देते हैं। तो चलो जैसा भी दिया अच्छा ही हुआ। तो मैंने बोला स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ड्रॉ मतलब स्ट्रेट लाइन कीजिए एक, देन वो जो लाइन है उस लाइन पर आप दे दीजिए।
तो उन्होंने पूरा बालों पर ही दे दिया। तो चलो कोई नहीं, इतना ही कौन मिलता, कोई मिलता ही नहीं है मेरा, कोई भी नहीं दे सकता। मेरा हस्बैंड को बोला था तो उन्होंने, थोड़ा सा बिजी है इसलिए चला गया। तो चलो यही कौन दे देते हैं। तो चलो जितना हो सके उन्होंने दे दिया, मुझे सिर्फ और सिर्फ पीछे से ही लगाना था। तो अभी मैं हल्के हाथों से हेयर्स को टाई अप कर लूँगी, एक मेसी बांध बना लूँगी ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और इसको हम 15 या 20 मिनट्स तक ऐसे छोड़ देंगे। तो देन मैं इसको करूँगी वॉश, जो कि आप लोगों से शेयर करना है। तो चलो थोड़ा सा हल्के हाथों से मैं यहाँ पर कोम की हेल्प ले रही हूँ, एंड इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे 15 या 20 मिनट्स। आप चाहे तो 30 मिनट्स भी रख सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो यहाँ पे मैंने एक बोल्स में मैंने लिया है 2 पैकेट शैम्पू, एंड देन ये जो सीक्रेट टिप्स है वो है लेमन। ये लेमन काम करेगी हमारी कंडीशनर हिसाब से, और कंडीशनर की काम करेगी ये। आप शैम्पू में मिलाकर एक साथ मिक्स्ड करके इसको आप लगाओगे तो। सो इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पानी लूँगी, क्योंकि ऐसे ही शैम्पू हम नहीं लगा सकते हैं। इसके अंदर कुछ पानी देकर मैं इसको मिक्स्ड कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे हो गया मेरा मिक्स्ड, थोड़ा सा पतला कंसिस्टेंसी बनेगा। तो कोई नहीं, पहले हम बालों को अच्छे से भिगो लेंगे, मतलब पानी की मदद से। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ, मेरा जो हेयर्स है आपके सामने ही मैं खोल रही हूँ एकदम, मतलब मेरा जो हेयर्स है ना बहुत ही ड्राई हो चुकी है। सो अभी यहाँ पे मैं पानी दूंगी। अभी मैं कोई भी बात नहीं करूँगी, आपका रियल साउंड ही दूंगी। आप देख सकते हो कैसे मैं वॉश कर रही हूँ, तो प्लीज़ देखो, उसके बाद मैं बातें करती हूँ। तो यहाँ पे मैं फुल फिल शैम्पू नहीं यूज़ करूँगी, थोड़ा हाफ यूज़ करूँगी, और हाफ वॉश करने के बाद हाफ यूज़ करूँगी। इससे क्या होता है, हमारे जो हेयर्स होते हैं बहुत ही सिल्की है, शाइनी होते हैं, एंड बहुत काम भी करते हैं। ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हो इसको। मैं भी इससे ही लगाती हूँ, मैं 2 बार तो शैम्पू लगा ही देती हूँ, क्योंकि 1 बार शैम्पू से नहीं होते हैं। तो मैं थोड़ा सा बचा कर रखा, और आप देख सकते हो थोड़ा सा ही मेरा हेयर्स को फोम दे दिया।
तो हो गया मेरा वॉश। मेरे पास ये जो स्कार्फ है वो भीग गया था, तो मैं इसलिए थोड़ा सा ड्राई करके मैं टॉवल से ड्राई करूँगी। तो चलो मिलते हैं ड्राई होने के बाद। सो ये आप देख सकते हो मेरा हेयर्स ड्राई हो चुकी है और मैं थोड़ा सा कोम्बिंग करके आप लोगों के साथ बातें करती हूँ। तो फ्रेंड्स, लाइफ रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया। तो मैंने हेयर को ऐसे ही ड्राई किया, मतलब कुछ हेयर ड्रायर से मैंने ड्राई नहीं किया, मेरा हेयर ऐसे ही सूख गया। मतलब मैं शाम को मतलब शाम के पहले दोपहर को हम हेयर को वॉश किया था, देन अभी शाम हो गया तो मेरा हेयर ऐसे ही सूख गया। तो मैं आपके सामने लाइफ रिजल्ट दिखा रही हूँ, मेरा हेयर कितना सिल्की एंड शाइनी हो गया। एंड जो मेन पॉइंट्स है वो है डैंड्रफ। मतलब मेरे हस्बैंड को मैंने बोला, प्लीज़ आप ज़रा देखो मेरे हेड पर, मतलब स्कैल्फ पर कोई भी डैंड्रफ है कि नहीं। बट उन्होंने बोला, अरे इतना साफ है आपका जो स्कैल्फ है। मतलब मेरा स्कैल्फ थोड़ा सा पतली है, मतलब इतना बाल नहीं है, बट आप देख सकते हो कोई भी डैंड्रफ नहीं है। मैं शायद दिखा सकती हूँ, थोड़ा बहुत है भी। तो आप रेगुलर सॉरी आप रेगुलर रेगुलर इसको फॉलो करोगे तो आपको, मतलब एक हफ्ते आप इसको ट्राई करो, देखो रिजल्ट क्या होते हैं। मतलब अमेजिंग रिजल्ट, जस्ट अमेजिंग। ये मेरे बुआ ने मुझे बोली थी तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँ। तो अगर ये डैंड्रफ नहीं हटती तो मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ, बीच में बंद कर देता। बट जब मैंने आईने के सामने रिजल्ट देखा, वाह वाह जस्ट ऑसम। मतलब एक भी तो हेयर नहीं है। और ये जो शैम्पू के समय में शैम्पू और जो मैंने लेमन एक साथ मिक्स करके एक कंडीशनर दिया, इफेक्ट कंडीशनर इफेक्ट, मतलब वाह जस्ट वाह। मतलब मेरा बाल इतना सिल्की हो गया, मतलब मैं आप लोगों के साथ क्या बताओ। आप लोग अगर मेरा हेयर ऐसे टच करते तो शायद आप लोगों को पता चल गया होता। अमेजिंग रिजल्ट। मैं थोड़ा सा कॉमिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब इतना सिल्की शाइनी हो गया, मतलब वाओ। मैं थोड़ा सा सामने लाके दिखाती हूँ आप लोगों से। देख सकते हो मेरा हेयर कितनी शाइनी हो गया। वाओ जस्ट अमेजिंग रिजल्ट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो ज़रूर लाइक करना। और सिंगल में आप मेरा हेयर वॉश देखना चाहते हो तो मैं ज़रूर मतलब अलग करके कुछ वीडियो बनाऊंगी। आज मैं और एक वीडियो बनाने वाली थी, मतलब हेयर ड्राई मैं कैसे करती हूँ, बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा उस टाइम बिजी था। तो नहाने के बाद बहुत ही बिजी रहती हूँ, बच्चा है घर पे, सो इसलिए। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल टाइम स्माइल करते रहिए और देखते रहिए मेरे चैनल को। तो ओके गाइस, टेक केयर।